आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एरर इन मेजरमेंट के बारे में, जिसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि जो स्क्रू गेज होता है या वर्नियर कैलिपर्स होता है उसे कोई लेंथ किस तरह से मेजर किया जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत साल पहले अगर देखा जाए तो बहुत पहले पूछे नहीं जाते थे, है ना, आईटीजेई में, लेकिन कुछ सालों से लगातार हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है ना। अगर आप देखें तो इसमें एरर एंड मेजरमेंट का जो सेक्शन है बहुत ही कम है, वो छोटा सा पोर्शन है। अगर उसको पढ़ लेंगे तो एक या दो क्वेश्चन जो है अपना कन्फर्म हो जाएगा कि इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत पहले जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, जब पहली बार पूछा गया इस चैप्टर से क्वेश्चन तो इस टाइप का क्वेश्चन था कि एक क्यूब है जिसका साइड का लेंथ है कुछ 1.2 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा था, है ना। अब साइड का लेंथ दिया हुआ है, पूछा गया था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जब आप इसका निकालेंगे साइड का लेंथ का क्यूब करके जब वॉल्यूम निकाला जाता है तो उसमें आप देखेंगे कि हमें उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें राउंडिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। तो चूंकि पहले ये सारी चीजें पढ़ाई नहीं जाती थी क्लास में, इसलिए जब लोगों ने ये कहा कि जो आईआईटी वालों ने बहुत आसान क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है ना, लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे आप उसका, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन चार दिए गए थे वो ऑलमोस्ट एक जैसे थे, लेकिन उसमें राउंडिंग करना था, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना था, तो मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स के आंसर जो थे वो गलत आए थे, ठीक। अब लेकिन चूंकि ये चैप्टर हर साल रेगुलर पूछा जा रहा है इसलिए अब लोग पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से ये जो है किसी स्केल से मेजर किया जाता है कोई लेंथ, और मेजर किया जाता है तो उसमें लिस्ट काउंट क्या होता है या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। जैसे मान लिया कि अपने पास एक रॉड दिया गया है ना, ये रॉड है, इस रॉड को हमने पहले सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया, ये सेंटीमीटर स्केल बनाया हुआ है, तो देखेंगे ये जो यहां से शुरू हो रहा है ये तो जीरो से शुरू हो रहा है रॉड, और रॉड का जो दूसरा एंड है वो 4 से आगे है और 5 से पहले है। तो जब मैं इसका लेंथ बताऊंगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि 4.02 या 4.35 ऐसा कुछ, ऐसा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इसके आगे कितना यहां पर है एक कौन सी वैल्यू है सर्टेनली कुछ कह नहीं सकते। तो मैं इसका लेंथ बताऊंगा मेजर्ड लेंथ जो है इसको मैं 4 सेंटीमीटर कह सकता हूं, 4 सेंटीमीटर से आगे कुछ होगा ये जो नंबर है एक्चुअली में डाउटफुल है, डाउटफुल इसलिए है क्योंकि इसके आगे वाला नंबर मैं बता नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये जो स्केल मैंने यूज किया है मेजर करने के लिए उस स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है, लिस्ट काउंट, है ना। लिस्ट काउंट का मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम वैल्यू ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता हो, जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर या फ्रैक्शन में मैं नहीं बता सकता कि 0.5 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर मैं नहीं बता सकता क्योंकि उस पर स्केल नहीं बने हुए, है ना। तो एक्यूरेटली मेजर करना हो तो मैं इसका आंसर या तो 4 बताऊंगा या 5 बताऊंगा इसका लेंथ, है ना। तो 4 और 5 दोनों में ही कुछ ना कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं मेजर करने में एरर कितना कर सकता हूं 1 सेंटीमीटर का, तो उसको कहते हैं मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या सिंपल अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी जो है ये है इसमें 1 सेंटीमीटर का, और जो लिस्ट काउंट है वो भी है 1 सेंटीमीटर का। लिस्ट काउंट का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू जो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से कम की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, ज्यादा तो मेजर कर सकते हैं लेकिन कम नहीं मेजर कर सकते। अब देखा जाए तो मैं दूसरा स्केल यूज कर सकता हूं, है ना, अगर मुझे और भी जो है क्लोजर लेंथ मेजर करना है, जैसे इसका एक्यूरेट वैल्यू बताना हो, और
तो मैं दूसरा स्केल यूज कर सकता हूँ, छोटा स्केल यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मिलीमीटर स्केल है, तो मिलीमीटर स्केल से उसी रॉड को मैं मेजर करता हूँ, है ना। तो देखेंगे कि इसमें ये है 0 1, ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, बीच में 10 डिवीजन बनाए हुए हैं। तो अब देखेंगे कि ये 4 से आगे जा रहा है ना, और ये यहाँ पर जो है वो 3 और ये 4 वाली जो लाइन है उसके थोड़ा सा आगे ये है, है ना, ये वाला ऐसे। तो अब इसमें अगर मैं मेजर लेंथ बताऊं, मेजर लेंथ, तो इसको मैं कह सकता हूं 4.3 सेंटीमीटर, या 4.4 भी कोई बता सकता है, कोई 4.3 बता सकता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली 3 पर है नहीं, थोड़ा सा आगे है, और इसलिए जो है एक्यूरेट बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी हम लोग जितना एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, जितना क्लोजर वैल्यू मेजर कर सकते हैं, उतना मेजर करते हैं। तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो लेंथ है 4.3 सेंटीमीटर है, जिसमें से जो 3.3 वाला जो डिजिट है, ये जो है ये डाउटफुल है, ये अनसर्टेन फिगर है। 0.3 के आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता, है ना, मतलब कि ये 3 समथिंग था, लेकिन वो समथिंग वाला चीज हमें नहीं पता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो 4 है ये तो एक्यूरेट नंबर है, ये सर्टेन फिगर है, और ये जो 3 है ये अनसर्टेन फिगर है, है ना। तो इसमें अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर निकालना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि वो डिजिट्स जो कि उनका काफी इंपॉर्टेंस है उस वैल्यू को चेक करने में, और इन सिग्निफिकेंट का मतलब हुआ कि वो डिजिट मैं हटा सकता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं, अगर वो नहीं रहेगा तो भी सही वैल्यू पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब हो गया कि वो डिजिट या वो फिगर्स जिनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है अगर मेजर लेंथ हमें सही तरीके से बताना है। तो इसमें देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इसमें 2 है, है ना, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये तो एक्यूरेट नंबर है, सर्टेन नंबर है, और ये पहला अनसर्टेन नंबर होता है उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हो गए 2, है ना, ऐसे कह सकते हैं 2। इसमें अगर पता करना हो लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, क्योंकि ये मिलीमीटर स्केल है, मतलब एक सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इसका लिस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर हो गया, 1 मिलीमीटर तक की कम से कम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उससे कम की वैल्यू मेजर एक्यूरेटली नहीं कर सकता, हमें फ्रैक्शन बताना पड़ेगा, वो भी कुछ सही नहीं है बता, सही तरीके से नहीं बता सकते कितना होगा। तो 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं या 0.1 सेंटीमीटर बता सकते हैं, है ना। लिस्ट काउंट की वैल्यू यहां से मेजर जो वैल्यू है उसे बता सकते हैं कि डेसिमल के आगे एक डिजिट है इसलिए डेसिमल के आगे 1 लगा देंगे, है ना। तो ये इसका लिस्ट काउंट हो गया, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी जो है वो है 1 मिलीमीटर का ही, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेजर करने में मैं गलती कितनी कर सकता हूं तो 1 मिलीमीटर का कर सकता हूं। जैसे हो सकता था कि 4 पर आना था मैं 3 पर बता दूं, या 3 पर आना था मैं 4 पर बता दूं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा गलती जो मैं 1 मिलीमीटर का कर सकता हूं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 2 है, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 1, मतलब एक ही नंबर है ये, और ये जो वैल्यू है यही डाउटफुल फिगर है, अनसर्टेन फिगर है ना। हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो सर्टेन नंबर्स होते हैं वो तो रहेंगे, जैसे ये 4 है सर्टेन है, लेकिन पहला जो डाउटफुल डिजिट आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। इसमें यही पहला डाउटफुल डिजिट था, क्योंकि 4 के आगे भी कुछ था वो हम नहीं बता रहे थे, ये डाउटफुल नंबर है, और इसलिए इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हो गया 1। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब अगर हमें और भी इसका एक्यूरेटली लेंथ मेजर करना और क्लोजर वैल्यू मेजर करना हो तो हम लोग
वर्नियर कैलिपर्स यूज कर सकते हैं, बाय वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है, मतलब जो ये मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, है ना। मान लिया कि अगर मैं वर्नियर कैलिपर से इस रॉड का लेंथ नापता हूं, तो मेजर्ड लेंथ जो आता है, मेजर्ड लेंथ ये हो गया कहीं 4.32 सेंटीमीटर, ये आया मान लिया, है ना। तो इससे भी आप लीस्ट काउंट पता कर सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या आएगा इसमें, डेसिमल के आगे दो डिजिट है, तो डेसिमल के आगे दो डिजिट हमें लगाना है, तो एक जीरो लगाएंगे, लास्ट वाला हमेशा वन रहता है। ये मेजर्ड लेंथ हो गया। अगर अनसर्टेनिटी की बात करें इसमें, अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी जो लीस्ट काउंट है वो वही अनसर्टेनिटी भी होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गलती भी मैं उतने का ही कर सकता हूं। अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देखेंगे कि इसमें तीन जो है, तीन डिजिट जो है, ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है, ये हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब इसमें क्या होगा, 4 और 3 ये एक्यूरेट नंबर होंगे, और ये जो 0.02 मतलब ये जो डिजिट है, ये पहला डाउटफुल फिगर होगा। उसके आगे के अगर हो भी जाए तो हम, क्योंकि सर्टेन नहीं है तो उसको हटा देंगे, इसलिए वो इनसिग्निफिकेंट है, उसको रखेंगे ही नहीं। तो अगर जैसे ये मेजर्ड लेंथ लिखा हुआ है, तो इसको देख करके भी हम बता सकते हैं कि किस स्केल को यूज किया गया था इस रॉड के लेंथ को नापने के लिए, है ना। क्योंकि इस वैल्यू में जो मेजर्ड लेंथ है, इसका लिस्ट काउंट मैं बता सकता हूं 0.01 है। तो 0.01 किस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है, वो होता है वर्नियर कैलिपर्स का। तो अगर ये लेंथ दिया हुआ है किसी डेसिमल पॉइंट तक, तो उस नंबर को भी देखकर बताया जा सकता है कि किस इंस्ट्रूमेंट से उसका लेंथ मेजर किया गया है, ठीक। अब जैसे वर्नियर कैलिपर्स हमने देख लिया, उसी तरह से अगर और क्लोजर वैल्यू मेजर करना हो, तो एक होता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज हो गया। अगर इससे नापना हो तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो और भी कम होता है, इसके लिए लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर, है ना। इसमें देखेंगे 0.01 था, इसमें 0.001 है, ठीक है। इसमें लिस्ट काउंट था 1 सेंटीमीटर, और इसमें मिलीमीटर स्केल में 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स में 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज में 0.001 सेंटीमीटर। मान लेता हूं कि अगर स्क्रू गेज से मैंने नापा मेजर्ड लेंथ, तो ये आ गया 4.324, है ना, सपोज ये आ गया इतना सेंटीमीटर। तो इसको देख करके भी बताया जा सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। पॉइंट के आगे तीन डिजिट है, तो यहां पर तीन डिजिट लाना होता है, 0.00 और लास्ट वाला जो है वो वन रखना होता है, ठीक है। जैसे इसमें भी लास्ट वाला वन था, इसमें भी लास्ट वन था, इसमें भी लास्ट वन है लिस्ट काउंट में, ये हो गया। अगर अनसर्टेनिटी की बात करें, अनसर्टेनिटी जो है इसमें लिस्ट काउंट के बराबर होना चाहिए, इसमें भी अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करें, है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर है इसमें देखेंगे कि ये 4 है, मतलब 4.32, ठीक है। ये 2 जो था डाउटफुल फिगर था इस केस में, लेकिन इस केस में वो 2 जो है सर्टेन फिगर बन जाएगा, लेकिन ये जो 4 आया है ये फिर से डाउटफुल हो जाएगा। तो फर्स्ट डाउटफुल फिगर और बाकी जो सर्टेन नंबर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 4।
उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है जिसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप। बाय माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप का जो लिस्ट काउंट है वो और भी कम होता है, वो होता है 0.001 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कि उससे 1/10 जो है लोअर वैल्यू ये मेजर कर सकता है। अगर इसमें मेजर लेंथ देखा जाए ना, तो मेजर लेंथ सपोज मैंने मेजर किया तो ये आ गया 4.3245, ये आ गया, है ना। तो इसमें अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना हो तो देखेंगे इसमें आ जाएंगे 5, यानी कि 5। इसमें से 4.324 ये सारे जो है ये सर्टेन फिगर्स हैं। इसमें 4 जो था डाउटफुल था, लेकिन इसे जब मेजर करेंगे तो 4 वाला जो है वो डाउटफुल नहीं रहेगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। और ये लास्ट में जो 5 है ये डाउटफुल हो जाएगा। तो ये जो सर्टेन फिगर्स हैं ये और एक जो है डाउटफुल है, पहला वाला, ये पहला डाउटफुल है, उसके आगे जितने भी डाउटफुल होंगे सबको हटा दिया जाता है। तो सर्टेन फिगर्स और फर्स्ट डाउटफुल फिगर काउंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर आ जाएगा, ये हो गया इस बार 5, है ना। अगर इसमें अनसर्टेनिटी पता करना हो तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि जो अनसर्टेनिटी होता है वो लिस्ट काउंट के बराबर ही होता है ना। तो अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे यहां पर, इसे आइडिया लगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है ना। तो इसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जैसा कि मैंने बताया ये वो डिजिट्स हैं जिनका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है अगर उस मेजर्ड वैल्यू को जो है समझना हो या पता करना हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है कैसे पता करें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड वैल्यू, is equal to all certain figures plus first uncertain or doubtful figure, है ना। मतलब सारे सर्टेन डिजिट्स हम वो काउंट करेंगे और जो पहला डाउटफुल डिजिट आएगा उसको काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। अब कुछ देखेंगे कि सिग्निफिकेंट कोई मेजर्ड वैल्यू दिया हो, जैसे मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर हम कैसे पहचानेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं किसी दिए गए वैल्यू में। अब हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर फाइंड करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं और उनको किस तरह से फॉलो करके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड किए जा सकते हैं। तो इसमें जो पहला रूल है वो ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। चाहे डेसिमल में हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर बात किया जाए कि 35.234 ऐसे दिया हुआ है तो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे ही सिग्निफिकेंट हैं। मतलब इसमें अगर कहा जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स
तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 5। उसी तरह से अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो भी आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। चाहे डेसिमल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं कहता हूं कि 305005 ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है तो इसमें अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये तीन जीरो बीच में है, ये तीन जीरो भी सिग्निफिकेंट है। मतलब टोटल अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर पता किया जाए तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, मतलब कि 6 है ना। उसके बाद तीसरा होता है ऑल द ट्रेलिंग जीरोस ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। है ना, जैसे मान लेते हैं कि जो लेंथ है मैं अलग अलग स्केल से मेजर करूंगा तो अलग अलग आएगा। जैसे सेंटीमीटर, जैसे सेंटीमीटर स्केल से नापूंगा तो 3 सेंटीमीटर आएगा, है ना, या मिलीमीटर स्केल से नापेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा, है ना। उसके बाद वर्नियर कैलिपर से नापा तो ये हो गया 3.50 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज से नापा तो ये हो गया 3.500 सेंटीमीटर, है ना। ये मैंने स्क्रू गेज से नाप लिया, ये वर्नियर कैलिपर से, और इसको जो है मिलीमीटर स्केल से नापा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 तक होता है, है ना। देखेंगे यहां पर मैंने बताया था स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट 0.001, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इससे नापने के स्क्रू गेज से नापने के बाद भी अगर यहां 0.0 आ रहा है, इसका मतलब ये 0.0 भी सर्टेन फिगर्स है, है ना। एग्जैक्टली 3.5 पर ये मैच कर रहा होगा तभी जो है आगे 0.0 लगाया है। तो ये 0.0 जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस केस में। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इतने ही रहेगा, ठीक है। तो स्केल पर भी डिपेंड करता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, किस स्केल से नाप रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें जैसे इसमें आ गया डेसिमल पॉइंट के आगे ये जो जीरो है, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर डेसिमल नहीं होता तो हो सकता है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं हो, लेकिन डेसिमल पॉइंट के आगे है इसका मतलब हमने ऐसे स्केल से नापा है जिसका लिस्ट काउंट ही उतने डेसिमल पॉइंट तक था, इसलिए सारे जो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। यानी डेसिमल पॉइंट के आगे जो ट्रेलिंग जीरो हैं यानी पीछे वाले जो जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स कंजर्व्ड व्हाइल चेंजिंग यूनिट ऑफ मेजर्ड वैल्यू, है ना। जैसे कि मैं कहूं कि ये 35 सेंटीमीटर है ना,
35 सेंटीमीटर है, अगर इसको मिलीमीटर में लिखूंगा तो 350 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मुझे इसको मीटर में करना हो तो 0.35 मीटर हो जाएगा, ठीक। किलोमीटर में करना हो तो 0.00 ऐसे कुछ आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें यूनिट चेंज कर दिया, तो यूनिट चेंज करने से कहीं ना कहीं ये जीरो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे, है ना। अगर इसी में रखें तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स थे दो, इसमें देखने में डिजिट तो हो गए हैं तीन, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो दो ही रहेंगे। ये मीटर में हो गया है, इसमें डिजिट तीन हो गए हैं, जीरो भी आया है, थ्री भी आया है, फाइव भी आया है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे दो, है ना। मतलब ये है कि अगर हम लोग यूनिट चेंज कर देते हैं तो यूनिट चेंज करने से जो है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमने किस स्केल से मेजर किया। अब एक स्केल से मेजर कर दिया, उसके बाद अगर उसका यूनिट चेंज करते हैं तो आगे हो सकता है जीरो आए, 10^3, 4, 5 कुछ भी आए, उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। इस ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है। तो जैसा कि मैंने यहां बताया कि यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो चेंज नहीं होते हैं, इसलिए इसी से रिलेटेड कुछ और रूल्स है। जैसे ये तो हमने एक्चुअली में मेजर लेना था 35 सेंटीमीटर, उसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट किया। अगर उसको किलोमीटर में करेंगे तो यह आएगा 0.00035 किलोमीटर, ठीक है, यह किलोमीटर में आ गया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दो ही रहेंगे। अगर यहां पर दो थे, क्योंकि सेंटीमीटर स्केल से हमने नापा था, तो अगर यहां पर वहां पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे तो यहां भी दो ही रहेंगे, यानी कि ये जो तीन जीरोज हैं ये इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो जो अगला रूल है अपना वो इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि इन A number less than one, less than one, जैसे ये देखेंगे number less than one है, मतलब यहां पर कोई जो है नॉन जीरो डिजिट आगे नहीं है। अगर इधर नॉन जीरो होता फिर तो ये सिग्निफिकेंट हो जाते, ठीक है, लेकिन यहां पर चूंकि इधर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इधर तो जीरो है, मतलब ये वन से छोटा है, तो वन से छोटा होगा तो कह सकते हैं देन जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो फिगर और डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। है ना, और इसका जो एग्जाम्पल है यही मैं लिख देता हूं, जैसे कि 0.00035 मीटर है, किलोमीटर है, है ना। तो इसमें ये तीनों जीरो जो हैं ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना हो तो ये दो रहेंगे, ये दो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक। उसी तरह से आप देखेंगे कि यहां पर 350 मिलीमीटर लिखा है हमने, 35 सेंटीमीटर हमने मेजर किया था, हमने यूनिट चेंज किया मिलीमीटर में, तो ये 350 मिलीमीटर हो गया। इसमें भी आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है कंजर्व रहेंगे, यानी कि दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी ये आगे वाला जो जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, है ना। तो इसमें कहा जाता है जो अपना नेक्स्ट रूल है वो ये है
कि ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट, है ना। जैसे ये मैंने कहा कि 350 मिलीमीटर है, तो 350 मिलीमीटर में ये जो जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट है, है ना। और ये दोनों जो है ये सिग्निफिकेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यूनिट चेंज के कारण से आया है, ये भी यूनिट चेंज के कारण से आया है, ठीक। और सेवेंथ रूल है वो ये, कुछ नंबर्स जो होते हैं वो बिल्कुल जो है वो सर्टेन होते हैं, उनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। तो सारे नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो उसमें एरर का चांस नहीं है। या तो हम लोग नंबर ही सीधा मिस कर दें, है ना, मतलब कि काउंट करने में गलती कर दें, है ना। काउंट करेंगे तो उसमें फ्रैक्शन में आने का सवाल ही नहीं है। नंबर ऑफ एप्पल्स काउंट कर रहे हैं तो उसमें एरर का कोई चांस नहीं है, ठीक है। उसमें 100% एक्यूरेसी होती है, इनफाइनाइट नंबर्स तक जो है वो एक्यूरेसी होती है, सर्टेन नंबर्स आर सिग्निफिकेंट और सर्टेन नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये काउंट करना हो तो जितने भी नंबर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। नंबर ऑफ एप्पल्स इन ए बैग, जितने भी एप्पल्स का नंबर होगा सारा सिग्निफिकेंट होगा, है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो काउंट किए जा सकते हैं।